हेलो एवरीवन, वेलकम टू इजी इंजीनियरिंग क्लासेस। सो स्टूडेंट्स, मोबाइल कंप्यूटिंग की वीडियो लेक्चर सीरीज में आज हम देखेंगे मोबाइल डेटाबेसेस के बारे में। सो काफ़ी मतलब इंपॉर्टेंट टॉपिक है मोबाइल डेटाबेसेस के अंदर। फिर मोबाइल डेटाबेस के बाद हम पढ़ेंगे ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग में क्या क्या इशूज़ होते हैं मोबाइल कंप्यूटिंग में। उसके बाद हम देखेंगे ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग एक्चुअल में होती किस तरह से मोबाइल एनवायरनमेंट के अंदर। सो काफ़ी सारे टॉपिक्स हैं जिनको हम डिफरेंट वीडियो लेक्चर्स के अंदर कवर करेंगे। सो आज शुरू करेंगे हम मोबाइल डेटाबेसेस का बिल्कुल बेसिक इंट्रोडक्शन। सो व्हाट इज़ मोबाइल डेटाबेस? बेसिकली जो डेटाबेस हम मोबाइल डिवाइसेस के ऊपर एक्सेस करते हैं उसको हम बोलते हैं मोबाइल डेटाबेस। सो इट अलाउज द एप्लीकेशन फॉर हैंडल्ड डिवाइसेस टू एक्सेस डेटा स्टोर्स इवन वाइल ऑन द मूव। अब क्योंकि हम मोबाइल डेटाबेस की बात कर रहे हैं तो मोबिलिटी होगी, तो जब भी हम मूव भी कर रहे हैं तब भी हम अपने डेटा स्टोर्स को एक्सेस कर पाएँ, उसको फैसिलिटेट करता है मोबाइल डेटाबेस। सो इट मेक्स द डेटा फ्रॉम डेटाबेस एप्लीकेशन अवेलेबल ऑल द टाइम टू द मोबाइल यूजर्स। ओके, सो सपोज एक ही यूजर है, दिस इज वन ऑफ द यूजर, मोबाइल यूजर है जो कि मूव करता रहता है। सो दिस यूजर इज ऑन द मूव। ओके, एंड दिस इज द इंटरनेट और कम्युनिकेशन मीडियम, और ये है आपकी एप्लीकेशन। ओके, सो दिस इज द एप्लीकेशन इंटरनेट, एंड ये कि यूजर है जो मूव कर रहा है। सो बेसिकली क्या है कि इस एप्लीकेशन के पास जो भी डेटा स्टोर है उस डेटा स्टोर को, उस डेटाबेस को ये यूजर मूव करते हुए भी एक्सेस कर पाए, वो हम बोलते हैं मोबाइल डेटाबेस। तो ये यूजर किससे कनेक्टेड होगा? ये यूजर कनेक्टेड होगा इंटरनेट से, और ये इंटरनेट के थ्रू इस एप्लीकेशन को एक्सेस करेगा। तो कोई भी अगर इसने देखो सपोज रिक्वेस्ट करी, इसने किसी चीज की रिक्वेस्ट करी यहां पे, ये रिक्वेस्ट थ्रू इंटरनेट इस एप्लीकेशन के पास जाएगी, ये एप्लीकेशन अपने डेटा स्टोर को एक्सेस करेगी, वहाँ से इंफॉर्मेशन को फेच करेगी, और इसका रिस्पांस थ्रू इंटरनेट ही इस यूजर के पास वापस चला जाएगा। ओके, सो दिस इज हाउ दिस मोबाइल डेटाबेस वर्क्स। अब इसकी एक सिंपल सी एप्लीकेशन है, सिंपल सा मैं आपको एग्जाम्पल बताता हूँ यहाँ पे, जो कोरियर सर्विस होती है। ठीक है, अब जो कोरियर सर्विस है बेसिकली वहाँ पे क्या होता है, जो कोरियर डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है आपके, वो मूव कर रहा है। ठीक है, अब वो क्या कर सकता है, वो सबके साइंस कलेक्ट कर सकता है, एक हैंडल डिवाइसेस के अंदर सबके साइंस कलेक्ट कर सकता है और उसको मेन डेटाबेस के पास भेज सकता है। सो द कोरियर बॉय और द कोरियर सर्विस कैन कलेक्ट कस्टमर साइंस वाइल ऑन द मूव। And send to main database. Okay, so this is the basic idea of this mobile databases. अब mobile databases के features क्या क्या हैं? तो कुछ important features हैं, जैसे कि mobile transaction should be robust. Robust होनी चाहिए क्योंकि mobile databases के अंदर mobility के time पे disconnection बहुत ज़्यादा होता है due to mobility. तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपका डिस्कनेक्शन हुआ नेटवर्क से और आपका जो ट्रांजेक्शन वो फेल हो गया। तो रोबस्ट होनी चाहिए। देन ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग ऑल्सो नीड्स टू कॉप अप विद द रिस्ट्रिक्टेड रिसोर्सेज। अब जो भी आप ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग का सिस्टम यूज़ कर रहे हो उसको इस तरह से बनाना है कि वो रिस्ट्रिक्टेड रिसोर्सेज के अंदर भी काम कर सके। अब मोबाइल डिवाइसेज के अंदर रिस्ट्रिक्टेड रिसोर्सेज क्या क्या होती हैं, जैसे कि बैटरी लाइफ कम होती है, लो बैटरी लाइफ, अनलिमिटेड तो है नहीं कि आप एक किसी प्लग में लगा के बैठे हो, आप मूव कर रहे हो ऑन द मूव वो तो बैटरी लाइफ कम होगी। प्रोसेसर की स्पीड स्लो होती है कंपेयर टू लैपटॉप, डेस्कटॉप, जितने भी आपके कन्वेंशनल सिस्टम्स हैं उनसे जो प्रोसेसर होता है उसकी स्पीड कम होती है। देन लिमिटेड मेमोरी, मेमोरी भी ऐसा नहीं कि आप टेराबाइट्स के अंदर या कितनी भी मेमोरी लगा सको, उसकी एक लिमिटेड मेमोरी होती है। तो इन रिस्ट्रिक्टेड रिसोर्सेज के अंदर भी आपका ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम काम करना चाहिए। देन मोबाइल एप्लीकेशन शुड रिएक्ट फास्ट टुवर्ड्स फ्रिक्वेंट एनवायरमेंट चेंजेस। अब फ्रिक्वेंट एनवायरनमेंट चेंजेस का मतलब क्या हुआ कि मोबाइल डिवाइस की लोकेशन चेंज हो गई, ठीक है, या फिर जिस नेटवर्क में उसकी बैंडविड्थ चेंज हो गई, तो इन चेंजेस से भी आपका जो रिएक्शन है मोबाइल डेटाबेस का वो बहुत ज़्यादा फास्ट होना चाहिए। नाउ सम ऑफ द रिक्वायरमेंट्स फॉर मोबाइल डेटाबेस। सबसे पहली बात तो है मोबाइल डेटाबेस शुड हैव ए स्मॉल फुटप्रिंट। अब स्मॉल फुटप्रिंट का मतलब क्या है? स्मॉल फुटप्रिंट का मतलब है कि ये फिट हो जाए
एक रिसोर्स कंस्ट्रेंट मोबाइल डिवाइस के अंदर सो इजीली फिट इनटू रिसोर्स कंस्ट्रेंट मोबाइल डिवाइस। इस तरह का डेटाबेस आपको बनाना है कि एक रिसोर्स कंस्ट्रेंट मोबाइल डिवाइस के अंदर भी वो इजीली फिट हो जाए। जैसे फॉर एग्जांपल आप एक डेटाबेस अगर ऐसा बना दो जो कि 8 GB ऑफ रैम मिनिमम चाहिए जिसको ऑपरेट करने के लिए, और आपकी मोबाइल डिवाइस की रैम है 4 GB, तो किस तरह से काम करेगा? नहीं करेगा। तो आपको इस तरह से बनाना है कि जितनी आपकी रिसोर्सेज हैं उनको ही लेके वो उसके अंदर इजीली फिट हो जाए। सेकंड, शुड बी एबल टू रन विदाउट मॉनिटरिंग। अब कौन मॉनिटर करता है बेसिकली डेटाबेस को? एक डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। बट जब मोबाइल डेटाबेस की आप बात कर रहे हो तो मोबिलिटी पे है, तो कोई आपके पास DBN नहीं होगा ऐसा जो कॉन्टिन्यूसली मॉनिटर कर सके। तो ऐसा आपको बनाना है जो विदाउट मॉनिटरिंग बाय DBA भी इजीली रन कर सके। शुड बी इजीली इंटरऑपरेबल। इंटरऑपरेबल किससे? लार्ज एंटरप्राइज डेटाबेस से, क्योंकि अल्टीमेटली आपको मोबाइल डेटाबेस के डेटा को एक लार्ज डेटाबेस के अंदर स्टोर कराना है, उससे इंटरेक्शन करनी है, तो उससे इंटरऑपरेबल होना चाहिए। सो इंटरऑपरेबल विद लार्ज एंटरप्राइज DB और डेटाबेस। देन नीड्स टू सपोर्ट ऑल बेसिक डेटाबेस फंक्शनैलिटी, जैसे कि इंसर्ट हो गया, अपडेट हो गया, ये सब जो बेसिक फंक्शनैलिटी है इन सबको भी सपोर्ट करना चाहिए। नाउ सम ऑफ द कमर्शियली अवेलेबल मोबाइल रिलेशनल डेटाबेस सिस्टम्स आर, ये एग्जाम्पल में आप लिख सकते हो। एक है IBM DB2 एवरीवेयर। ओके, सो ये एग्जाम्पल्स हैं डेटाबेस के, मोबाइल डेटाबेसिस के। सो IBM DB2 एवरीवेयर। अगर शॉर्ट नोट के अंदर क्वेश्चन आता है तो आप इजीली इन सब पॉइंट्स को मेंशन कर सकते हो। देन सेकंड एग्जांपल इज ओरेकल लाइट, और यू कैन यूज साइबेस SQL एनीवेयर। तो साइबेस SQL एनीवेयर। सो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हमने इतना ही कवर करा है, बेसिक देखा है मोबाइल डेटाबेस का। इससे नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसमें हम देखेंगे कि क्या क्या ट्रांजेक्शन की प्रोसेसिंग, ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग में क्या क्या इश्यूज होते हैं जब हम मोबाइल एनवायरनमेंट की बात करते हैं। सो दिस इज ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो। प्लीज लाइक एंड शेयर द वीडियो, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू रिसीव मोर सच वीडियो नोटिफिकेशन। थैंक यू।